पार्वण ऋतु में राज्यर कृषकों मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक उपहार देवाक जाउछन्ती। नुआखाई रे चासी को कालिया सहायता राशि दिया जाई पारे। पश्चिम ओडिशार एक कृषि भित्तिक गणपर्व में राज्यर 41 लक्ष ऊर्ध चासी को प्राय 800 कोटी टंकार सहायता बंटन करा। कृषि विभाग प्रस्तुति करिछि। राज्य सरकार चलित वर्ष बजेट कृषि क्षेत्र लागि सर्वाधिक 21,166 कोटी टंकार व्यय बराद करिथिबा बेले एथिरु कालिया सहायता बाबदकु 1,874 कोटी टंका बंटा हेबाकु रहिछि। तेबे राज्य सरकार पक्ष 2018 कालिया योजना आरंभ होइतिला। प्रथमे दुईटी किस्ती रे 5,000 लेखाए वार्षिक 10,000 टंका दिया जाइतिला, किंतु परवर्ती समय रे याकु दुईटी किस्ती रे 2,000 करी वार्षिक 4,000 ह्रास करा जाइतिला। एहा मध्यरे सातटी पर्यायरे राज्य सरकार पक्षरु 9,000 ऊर्ध कोटी टंकार सहायता राशि बंटा जाइछि। एबे अष्टम पर्यायरे प्राय 800 कोटी टंका बंटा जिबाकु प्रक्रिया चलिछि। कृषि क्षेत्र रे अर्थ विनियोग एवं कृषक मानकर निरापत्ता, राज्य में दारिद्र्य दूरीकरण एवं समृद्धि धारा को त्वरान्वित करिवारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। ए संपर्क रे अधिक आलोचना पई मळे अछंती। मळे जदि आमे देखिबा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पश्चिम ओडिसा रो चासी को पई एक उपहार आमे कहिबा प्रजोज्य हबो, कारण कालिया सहायता राशि घोषणा करि पारंती एवं प्रस्तुति मध्ये आरंभ होई जायछि। ए संपर्क रे अधिक सूचना कोन रहिछि? देखंतु नुआखाई गोटे सबुठ बड़ पर्व पश्चिम ओडिशा एवं एथिरे समस्त सामिल हुंती। आपणकर भारत बर्षर हुंतु किंवा विदेश रे थांतु किंवा ओडिशा भीतर थांतु सेमाने समस्त घर को जानते एकाठी हुंती। एटा सबुठ बड़ पर्व कहा जाए एवं एही समय रे जो सहायता ता कथा कहउछंते आपण जो 800 कोटी टंकार दिया हबो एटा होची गोटे भेटी कहिले अत्युक्ति हबा नाही। नुआखाई रे जो भेटघाट हुए तो सरकार तरफ रु एटा गोटे भेटी एवं गोटे कालियार ओवरऑल कथा देखिए। राज्य सरकार का जो उद्यम अछि जो प्रचेष्टा अछि एवं चाषी प्रति जो भेटीटा चाषी जो भेटीटा एटा अति अधिक गुरुत्व रखु। दुईटा कथा, गोटे कथा है चाषर स्थायी समाधान कथा माने स्थायी समाधान इनफ्रास्ट्रक्चर कथा भित्तिभूमि कथा से गोटे पार्ट से प्रक्रिया चली कोटना कोटे आम पछे अच्छे ये स्पष्ट। किंतु सहायतार कथा जो कालिया माध्यम रे ताहा निश्चिंत प्रशंसनीय। कहीं चाषी टे 2,000-4,000 टंका मध्य गुरुत्व रखे एवं सेटा जितेबाड़ विभिन्न पार्ट फेज है सातटा फेज गला अष्टम फेज एवं एटा मध्य अति अधिक गुरुत्व रखुच चाषी पाई सहायक होउची। तार जीवन धारण क्षेत्र कथा कहतु कि चाष क्षेत्र रे सर ये जो मिनिमम टा हेले मध्य गोटे एडिशनल बेनिफिट होउची निश्चित सहायक होउची। ता सहित जो 800 कोटी टंका जीव यही जो पर्वटा अच्छी पर्व में उत्साह भरी दब ये अत्युक्ति ना। ता सहित सरकार जो योजना कराखापा कृषि क्षेत्र को गोटे गुरुत्व भी दिखाई पाखापाखि 22,000 कोटी 21,000 समथिंग कोटी बजेट प्रोविजन कराई और सहित पाखापाखि 1900 कोटी टंकार यही जो कालिया योजना रखाई तेणु ये निश्चित सहायक हम ये दिमत ना। कि गोटे कथा स्थायी समाधान आवश्यकता अच्छी। बारंबार बनिया हो बात्या प्रभावता कौटी पड़ू पूरा सीधा सड़क यदि सर्वाधिक प्रभाव पड़ू चाषी तेणु तरह स्थायी समाधान आवश्यक। कारण अंटा सड़क कि चाषी ठिया ही पारे आपको भित्तिमि जगार आवश्यकता अच्छी जलसेचन तर व्यापक करार आवश्यकता जहाँ रियलिटी ता सहित आप फसल बीमार कथा उठू जो बीमा कराटा कमी चाषी पाव तार से व्यवस्था करार आवश्यकता बहुत कथ अच्छी। किंतु यहाँ प्रशंसनीय कालिया कथा सहयोगी आपणकर अगर क्या 4,000-5,000-2,000 को माने बड़ वर्ग पर गुरुत्व न रखी पारे किंतु चाषी जो यहाँ भी अति सहायक 2,000-4,000 है सहायक तेना यहाँ गोटे प्रशंसनीय पदक्षेप। निश्चित भाव में नुआखाई जो भेटा जीव सरकार तरफ यहाँ गोटे सहायक हम गोटे खुशी भरी दब चाषी जीवन में यही अत्युक्ति हाँ ना भावे आमे गोटे प्रकार मैं कहीपर कि राज्य में जो दारिद्र दूरीकरण समृद्धि धारा को त्वरान्वित करिवारे ई पदक्षेप बेस गुरुत्व बहन कर। देखो दारिद्र दूरीकरण से लंबा प्रक्रिया से 2,000-4,000 आप दारिद्र दूर करें ना। कि जो कथ कहली ता गोटे लंग टर्म प्लान दरकार अच्छे मनकर चाषी टीए तार चाष पर गुरुत्व चाष गुरुत्वपूर्ण सी जी खर्च करुची से खर्चर रिटर्न मिले तार ता जीवन टा समृद्ध हम से गोटे पार्ट हुए गोटे स्थायी प्रक्रिया करार आवश्यकता अच्छे। जोटा मुझे उठेली जलसेचन कहतु बना बात्या मरुड़ के रक्षा पाव ता सहित बना बात्यार जो प्रकोपटा से कमा ही पार मार्केट लिंकेज दिया हम मानते से रेटा से सीधा पाए मनकर भेंडी से फड़ेला जमी फड़ेला 50 टंका 50 रु से डायरेक्ट 40-45 पाइबा दरकार मिडिल मैन खाई जा तेणु यही सब प्रक्रिया गुडा त्वरान्वित कले स्थायी समाधान से स्थायी दिगरे आगे मानते अधिक समृद्ध हम। किंतु ये जो 2,000-4,000 कालिया टंका
ଯୋଉ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀକୁ ଚାଷୀ ମନରେ ହର୍ଷ ମାନେ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଦଉଛି, ଗୋଟେ ସହାୟକ ହଉଛି, ତାକୁ ସପୋର୍ଟିଭ ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିସ୍ କରୁଛି ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଖୁସି ଭରିଦବ। ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦରକାର। ଚାଷ ଯିଏ କରୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଯିଏ କରୁଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇଲେ ସେ ତାର ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଚାଲିଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବି ବଢ଼ିବ, ମାନେ ଦେଶ ବି ରାଜ୍ୟ ବି ସମୃଦ୍ଧ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟକ ହଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଭରି ଦବ, କାହିଁକିନା 2000-4000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପକେଟକୁ ଗଲା ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହବ। କାହା ପାଇଁ ବେଶୀ ମାନେ କମ ହେଇପାରେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା।